डयर स्टूडेंट वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ हम लोग मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ए जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किए थे आज के लेक्चर में हम लोग सम्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिस के बारे में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स द मैट्रिक्स ऑफटेन बाई इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज सिंबल. द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है अगर कोई मैट्रिक्स गिवेन दैट है अगर हम मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो जो एक नई मैट्रिक्स बनती है दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इन अदर वर्ड अगर हमारे पास गिवेन दैट है मैट्रिक्स ए दिस इज जनरल फॉर्म ये मैट्रिक्स है जिसका आर्डर एम क्रॉस एन है और अगर इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना है तो ए ट्रांसपोज यहाँ पर आई जे में चेंज हो जाएगा जे आई में चेंज हो जाएगा तो ए ट्रांसपोज बन जाएगा ए जे आई अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन और जो आर्डर इसका एम एन है द आर्डर चेंज हो जाएगा एन क्रास में अब हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन दैट है ए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में थ्री रो एंड टू कॉलम हैं तो यहाँ पर इसके रो हैं आर वन आर टू एंड तीसरा है आर थ्री और इसके कॉलम है सी वन एंड सी टू अब इस मैट्रिक्स का हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसपोज तो रो को हमें चेंज कर देना होगा कॉलम में और कॉलम को चेंज कर देना होगा रो में मतलब इंटरचेंज करना होगा रो एंड कॉलम को तो जो पहला इसका आर वन रो है ये चेंज हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा कॉलम में तो वन फाइव जो रो है ये चेंज होगा कॉलम में और दूसरा रो है ये चेंज हो जाएगा कॉलम में सी टू में और तीसरा रो भी चेंज हो जाएगा इस कॉलम में तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए और इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का आर्डर है थ्री क्रॉस टू इसका आर्डर हो जाएगा टू क्रॉस थ्री नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज दिस गिव्स टू द ए देंड है ए प्लस बी ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज सिमिलरली ए माइनस बी होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थर्ड है स्केलर मल्टीपिकेशन के ए ट्रांसपोज स्केलर बाहर आ जाएगा मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल हो जाएगी के ए ट्रांसपोज फोर्थ इज़ द रिवर्सल ला ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पर इनके आर्डर बदल जाते हैं ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इन टू ए ट्रांसपोज अब हम ट्रांसपोर्ट पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहाँ पर गिवन दैट है फॉर टू मैट्रिसेज ए एंड बी हमें वेरीफाई करना है reversal लाको, मतलब ए ए का जो ऑर्डर है दिस इज थ्री क्रॉस वन मतलब इसमें थ्री रो row है रोज है एंड वन कॉलम है और मैट्रिक्स बी है इसमें वन रो है एंड थ्री कॉलम तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करना होगा तो हमें कैलकुलेट करना होगा ए बी ए बी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास गिवन डेट है वन फोर थ्री और बी मैट्रिक्स है माइनस वन टू वन यहाँ पर हम देख रहे हैं मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है देयर फोर ए बी इज डिफाइंड तो यहाँ पर ये यह मैट्रिक्स जो मिलेगी इस मैट्रिक्स का आर्डर हो जाएगा दिस इज थ्री क्रॉस थ्री जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन दूसरा हो जाएगा टू और ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा फोर और ये होगा माइनस एट और ये हो जाएगा माइनस फोर इसकी वैल्यू होगी माइनस थ्री और इसकी वैल्यू हो जाएगी सिक्स और ये वैल्यू हो जाएगी थ्री मल्टीप्लिकेशन आप टू मैट्रिसेस पर एक एक वीडियो बना है जो लोग मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके तो हमें मिल गया ए बी अब हमें कैलकुलेट करना है ए बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज क्या होगा रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना होगा तो यहां पर जो हमारे पास रो है ये चेंज हो जाएगा कॉलम में तो माइनस वन टू वन ऐसे दूसरा जो रो होगा ये इंटरचेंज होगा दूसरे कॉलम में हो जाएगा फोर माइनस एट माइनस फोर और जो तीसरा यहाँ पर हमारे पास कालम है इस रो है ये चेंज हो जाएगा तीसरे इंटर चेंज हो जाएगा तीसरे कालम में, ये हो जाएगा माइनस थ्री सिक्स एंड थ्री तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई दिस इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इनका मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे कि ये रिजल्ट वेरीफाई आपको करना है नाउ अब हमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जो स्टडी करना है जिसमें सबसे पहली मैट्रिक्स है सेमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसकी डिफिनीशन क्या है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सेमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए इसका मतलब है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ये इसकी डिफिनीशन है अगर कोई भी मैट्रिक्स से तब होगी जब उसके ट्रांसपोज की वैल्यू खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए इन अदर वर्ड अब इफ़ ए इज गिवन दैट ए आई जे एंड क्रासियम देन ए ट्रांसपोज की जो डिफिनीशन हो जाती है आई को जे में इंटरचेंज कर देते हैं तो ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज की जो वे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए तो ए ट्रांसपोज बन जाएगा ए जे आई और ए की वैल्यू है ए आई जे फॉर ऑल आई एंड जे ये इसकी डिफिनीसन हो जाएगी इन द एलिमेंट फॉर्म में यहाँ पर गिवन डेट एक मैट्रिक्स है ए और इसे हमें बताना है कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट तो सेमेट्रिक के लिए हमें चेक करना होगा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है कि नहीं यहाँ पर हमें देखने सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट अगर हमें चेक करना तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को देखिए ये डिफरेंट हैं और यहाँ पर जो इमेजेज हैं ये एलिमेंट है वन एलिमेंट वन के इक्वल होना चाहिए फाइव फाइव के इक्वल होना चाहिए सेवन देखिए सेवन के इक्वल है इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ये डायरेक्ट तरीका है कोई भी मैट्रिक्स को चेक करने का ये ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं सबसे पहले हमें यहाँ पर अगर हम डायगोनल पर मिरर रख देते हैं मिरर के बाद जो एलिमेंट्स मिलने चाहिए ये एलिमेंट्स सेम मिलने चाहिए ये तरीका होता है चेक करने का देखिए वन वन के इक्वल है फाइव फाइव के इक्वल हैं सेवन सेवन के इक्वल है ये एलिमेंट डायगोनल पर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स एग्जाम्पल है सेमेट्रिक मैट्रिक्स का और इसे डिफिनिशन से हम चेक भी करते हैं ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगी जो खुद ए के इक्वल है मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इसका मतलब द मैट्रिक्स ए इज़ द सेमेट्रिक मैट्रिक्स सिमिलरली अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है सो दैट दिस मैट्रिक्स इज सेमेट्रिक अब इस मैट्रिक्स को सेमेट्रिक चेक करना फिर आप प्रिंसिपल डायगोनल पर जाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल ऐसे बनाएंगे यहाँ पर मिरर रख देंगे यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अब यहाँ पर देखिए माइनस फोर माइनस फोर दोनों इक्वल है टू टू इक्वल है सिक्स एंड सिक्स इक्वल इसका मतलब ये मैट्रिक्स जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के इक्वल आएगा दिस मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये डायरेक्ट तरीका है किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए दिस इज सिमेट्रिक आर नॉट अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये खुद ए के इक्वल है यहाँ पर सॉल्व किया है आप इसे चेक कर सकते हैं अब हम आते हैं कुछ रिजल्ट के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है द तो रिजल्ट ऑन सेमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहला रिजल्ट है डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सेमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी एनी रियल नंबर तो मतलब किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा दिस विज भी एनी रियल नंबर सेकेंड इसमें है द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल सेमेट्रिक मैट्रिक ऑफ आर्डर एन मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है सीमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर एन है तो उसमें नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री आपको याद रखना है दिस इज इक्वल टू एन इन टू एन प्लस वन बाई टू और दूसरा तीसरी प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल आइगन वैल्यू ऑफ सीमेट्रिक मैट्रिसेज आर रियल मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से आप याद कर सकते हैं और ये तीसरा और चौथा रिजल्ट एक जैसा है डायमेंशन ऑफ सब स्पेस सब स्पेस आप सीमेट्रिक मैट्रिसेज ओवर द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एन इज द यन इंटू एन प्लस वन बाई टू मतलब डायमेंशन और नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंट्री दोनों की वैल्यू है यन इंटू इन ब्रेकेट एन प्लस वन बाई टू और दोनों डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रियल नंबर होते हैं अब हम आते हैं अगले मैट्रिक्स पर जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनिशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए दोनों में डिफरेंस क्या सीमेट्रिक मैट्रिक्स में होता था ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है अब इसको एलिमेंट फॉर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे इस एलिमेंट फॉर्म में लिखेंगे अगर इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन तो यहाँ पर हो जाएगा ए ट्रांसपोज का मतलब ए जे आई और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए की वैल्यू है ए आई जे फॉर ऑल आई एंड जे अब यहाँ पर हमें सबसे पहला समझना ज़रूरी है इस पर रिजल्ट जो पहला रिजल्ट यहाँ पर लिखा गया है कि द प्रिंसिपल डाइगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आलवेज जीरो तो इसको प्रूव के लिए आप लोग देख सकते हैं ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन है इफ़ वी पुट आई इज इक्वल टू जे दिस विल बिकम्स टू द ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए आई आई इज इक्वल टू जीरो मतलब ए आई आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई और हम लोग जानते हैं ए आई आई फॉर आई इज इक्वल टू जे दिस इज कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट मतलब दिस विल बिकम्स टू ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स तो सबसे पहला रिजल्ट हमें ध्यान देने वाली बात है द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो तो सबसे पहला हम यही चेक करेंगे कि इस जो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमारे पास गिवन दैट है इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो है कि नहीं तो पहला यहाँ पर हम डायरेक्ट चेक करना बता रहे हैं इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ये देखिए ज़ीरो है तो पहली कंडीशन को इसने फॉलो किया अब हमें इसमें दूसरी कंडीशन देखना है फिर यहाँ पर आप मिरर रखेंगे अब यहाँ के एलिमेंट को देखेंगे ये माइनस ए है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दोनों सेम होते थे लेकिन इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव देखिए यहाँ पर माइनस वन है तो ये प्लस वन है तो मतलब कंडीशन को फॉलो कर रहा है यहाँ पर देखिए माइनस टू है तो ये देखिए प्लस टू है एक प्लस है दूसरा माइनस है तीसरा एलिमेंट देखिए माइनस फाइव है तो ये देखिए प्लस फाइव है तो अगर इस टाइप से हमें मिलता है तो ये एग्जाम्पल होगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फिर से समझिए सबसे पहले आपको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को देखना है दिस इज ज़ीरो आर नाट और फिर इनके एलिमेंट को डायगोनली देखना है एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए तो यहाँ देखिए माइनस वन है तो ये प्लस वन है और यहाँ पर देखिए डायगोनली माइनस टू है तो ये प्लस टू है ये माइनस फाइव है तो ये प्लस फाइव है मतलब ये एक एग्ज़ाम्पल है विदाउट चेक किए दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब यहाँ पर आप चेक भी किया गया है ए ट्रांसपोज आप निकालेंगे और ए ट्रांसपोज से माइनस कामन लेंगे तो दिस विल बिकम्स टू द ए मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस ए मतलब दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब यहाँ पर एक रिजल्ट गिवेन दैट और है आपको बताना है कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें एक ऐसे मैट्रिक्स का एग्जाम्पल विच इज सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक बोथ अब हम आते हैं इस पर कुछ रिजल्ट के बारे में द रिजल्ट ऑन सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स पहला रिजल्ट है डिटर्मिनेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इसके बारे में बार बार कंपटीशन में पूछा गया है द डिट डिटर्मिनेंट ऑफ इक्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसका आर्डर आर्ड हो मतलब वन हो थ्री हो फाइव हो एंड सो वन तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू विदाउट साल की आप कहेंगे इसकी वैल्यू जीरो है अगर इवेन आर्डर का है मतलब टू आर्डर हो फोर आर्डर हो सिक्स आर्डर हो तो इसक्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ये एनी रियल एनी नंबर हो सकता है अब सेकेंड यहाँ पर हम लोग रिजल्ट पर आते हैं यहाँ कहा जा रहा है नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंट्रीज इन द सेट ऑफ आर्डर एन इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है एन एन माइनस वन बाई टू सेमेट्रिक मैट्रिक्स में ये प्लस होता है और इसक्यू सिमेट्रिक में ये माइनस होता है तो आप इसे याद रख सकते हैं और यहाँ पर भी ये सेम रिजल्ट है लगभग लगभग

माइनस थ्री आई ये प्योरली इमेजनरी नंबर है मतलब इसमें रियल पार्ट जीरो हैं तो आल आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज प्योरली इमेजनरी आर जीरो फोर्थ रिजल्ट एकदम सेम है सेकेंड रिजल्ट की तरह द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन एन माइनस वन बाई टू ये सब कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसो आपको याद रखना है कंपटीशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं अब हम आते हैं कुछ अदर टाइप के मैट्रिस के बारे में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या है ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी कॉम्प्लेक्स इफ इट उनके एलिमेंट रियल नंबर होते थे लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसे मैट्रिक्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें सभी एलिमेंट या कुछ एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएं, तो दैट मैट्रिक्स इज सेट टू बी द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बहुत ध्यान देने वाले बात है ये द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स तो सबसे पहले हमें समझना होगा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है जेड बार एक्स माइनस आई वाई मतलब आई को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आई से तो ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है तो इसे आप जानते होंगे इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो अब यहाँ पर हमें पढ़, पढ़ना है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इसकी डिफिनीशन क्या है ए लेट ए बी ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देन ए मैट्रिक्स विच इज ऑप्टेन बाई रिप्लेसिंग ऑल कॉम्प्लेक्स एलिमेंट अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है इसका आर्डर है दिस इज टू क्रॉस थ्री यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसके कुछ इंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका अगर हम मैट्रिक्स का कॉम्पलेक्स कॉन्जुगेट निकालना है ए बार इसकी वैल्यू देखिए इस नैट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कांजुगेट हो जाएगा ए माइनस टू आई और थ्री आई का कॉम्प्लेक्स कांजुगेट हो जाएगा माइनस थ्री आई और सिक्स रियल नंबर है तो सिक्स का काम सिक्स नंबर का प्लस सिक्स रियल नंबर तो रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कांजुगेट रियल नंबर खुद होता है ये हो जाएगा खुद सिक्स सेवन सेवन ही रहेगा टू प्लस है तो ये हो जाएगा टू माइनस और वन प्लस आई है तो ये हो जाएगा वन माइनस आई तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स तो ये बहुत ही सिंपल है हर एक एलिमेंट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो अगर उनका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो दैट मैट्रिक्स जो नई मैट्रिक्स बनती है वही मैट्रिक्स कहलाती है कांजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अब हमें आगे समझना है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी लेना होगा और ट्रांसपोज भी करना होगा ट्रांसपोज का मतलब हम लोग पहले भी पढ़, पढ़े ही पड़े अभी, अभी पढ़े हैं कि रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना तो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द

अब यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या कही जा रही है यहां कही जा रही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर है यहाँ पर ये छूट गया है फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज कांजुगेट ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू ए दूसरी यहाँ पर प्रॉपर्टी कही जा रही है ए प्लस बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट तीसरा क्या है स्केलर मल्टीप्लीकेशन है तो स्केलर पर यहाँ बहुत बाहर निकलेगा तो दिस विल बिकम्स टू के कॉन्ज के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और इनटू हो जाएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट लॉ है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्सल लॉ ए बी होल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वेयर ए बी बी द मैट्रिक्स तो ये रिजल्ट हमें कुछ है जिसे आपको याद रखने हैं अब इस पर बेस्ड हम मैट्रिस के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे मैट्रिस के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स पर डिपेंडेंट है मतलब ए कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज पर तो नेक्स्ट मैट्रिक्स का जो एग्जांपल हम लोगों के पास है ये कहा जा रहा हर्मीशियन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मीशियन मैट्रिक्स इफ ए कांजुगेट ए ट्रांसपोज कांजुगेट इज इक्वल टू ए अब यहाँ पर कहा जा रहा है इसके डायगोनल इंट्री के बारे में आल डायगोनल इंट्री ऑफ हर्मीशियन मैट्रिक्स इज रियल अब इसे हम प्रूव करते हैं सपोज करते हैं ए इज इक्वल दिस इज़ एन एन तो अगर हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स यह है ए आई जे तो ए कांजुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाएगा का ट्रांसपोज कांजुगेट क्या होगा ए पहले इनका कांजुगेट लेंगे और फिर इसके बाद इनके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा जे आई और एन क्रॉस एन तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए आई जे दिस इज इक्वल टू ए जे आई बार अगर हम पुट कर दें आई इज इक्वल टू जे तो ये हो जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए बार आई आई मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल है इसका मतलब ये तभी पासबिल है जब ये नंबर क्या हो रियल नंबर फॉर ऑल आई मतलब ए वन वन ए टू टू एर द रियल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड इज इक्वल टू टू प्लस जीरो आई तो यहाँ पर टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें केवल रियल नंबर है इसका जेड बार भी टू ही होगा इसका मतलब हर्मीशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल इंट्री होते हैं ये होते हैं रियल नंबर अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे आप डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर नॉट तो सबसे पहले आप इसके डायगोनल इंट्री को देखेंगे तो डायगोनल इंट्री ऑफ हरमीशियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर तो यहाँ पर पहली एंट्री है ए वन वन दिस इज़ वन ए टू टू थ्री एंड ए थ्री थ्री माइनस टू मतलब जितने डायगोनल इंट्री है थ्री क्रास थ्री में सब रियल नंबर हैं तो रियल नंबर हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है अब आगे जो हमें ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर जो डायगोनली एलिमेंट होंगे ये दोनों एक नंबर दूसरे नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा मतलब यहाँ पर देखिए है ए माइनस आई बी ये देखिए यहाँ पर है सी माइनस आई डी तो यहाँ का जो डायगोनली एलिमेंट है ये देखिए होना चाहिए सी प्लस आई डी यहाँ पर देखिए ये है माइनस टू आई तो माइनस टू आई यहाँ पर है देखिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर हो जाएगा टू आई अगर यहाँ कोई रियल नंबर आता तो टू तो रियल नंबर टू के खुद इक्वल रहता है टू वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दोनों का सेम होता है तो आप ऐसे देख करके बता सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं मतलब इस डिफिनिशन से आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब हम आते हैं रिजल्ट ऑन द हर्मिशियन मैट्रिक्स यहाँ पे कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ हर्मिशियन नंबर हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी एनी नंबर सेकेंड क्या कहा जा रहा है नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इन द सेट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिक ऑफ आर्डर एन दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इसको याद रखिएगा फिर तीसरे रिजल्ट इस पर कहा जा रहा है आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल और ये रिजल्ट दोनों लगभग नहीं ये रिजल्ट अलग अलग है द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ हर्मेशियन मैट्रिक्स ऑफ ऑफ एनशियन स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन स्क्वायर जो डायमेंशन एंड नॉन ट्रिवियल इंट्री है सेट ऑफ हर्मेशियन मैट्रिक में दोनों एन स्क्वायर हैं अब हम आते हैं अगले मैट्रिक्स के पर नेक्स्ट मैट्रिक्स हम लोगों के पास है नेक्स्ट मैट्रिक्स है इसक्यू हर्मीशियन मैट्रिक्स इसक्यू हरमीशियन मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी इसक्यू हर्मीशियन इफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस है मतलब ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू ए अब इनकी डायगोनल इंट्री के बारे में क्या कहा जा रहा है ऑल डाइगोनल इंट्री ऑफ इसक्यू हर्मीशियन इस क्यू हरमिशियन मैट्रिक्स आर जीरो और प्योर इमेजनरी इसे याद रखना बहुत जरूरी है इसके डायगोनल इंट्री देखिए हरमिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल इंट्री जीरो होती है और इस क्यू हरमिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल इंट्री आइदर जीरो और प्योर इमेजनरी कैसे अब ए इज इक्वल टू अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ए आई जे दिस इज आल्सो एन तो ये हो जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए बार आई जे चेंज हो जाएगा जे आई दिस इज इक्वल टू माइनस ए आई जे अब हमें पुट करना होगा आई इज इक्वल टू जे फॉर द डायगोनल इंट्री ये हो जाएगा ए बार आई आई दिस इज इक्वल टू माइनस आई आई दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या हो जाएगा दिस इज ए आई आई कॉम्प्लेक्स कांजुगेट प्लस ए आई आई इज इक्वल टू जीरो मतलब अगर कोई जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड बार प्लस जेड इज इक्वल टू तो जीरो ये तभी पासिबल है मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जगेट का एडिशन ज़ीरो हो ये तभी पासिबल है आइदर जेड जीरो हो या जेड प्योर इमेजनरी नंबर हो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल तो जेड बार हो जाएगा माइनस टू आई तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा जीरो इस वजह से ये है प्योर और जीरो। लेंगे तो बार इस गौल इस गौल जीरो। तो जीरो प्लस जीरो। तो याद रखने वाली बात ये है सबसे पहली बात डायगोनल इंट्री पूछी भी जाती है आप, आर जीरो, आर प्योर अब हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे कोई मैट्रिक्स को देख करके आप बता पाएंगे कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायगोनल को देखेंगे देखिए तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यहां पर देख रहे हैं दिस इज जीरो दूसरा है थ्री आई प्योर इमेजनरी नंबर है ये है माइनस टू आई दिस इज आल्सो प्योर इमेजनरी नंबर तो प्योर इमेजनरी नंबर है अब ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि डायगोनल इंट्री आइदर जीरो है और प्योर इमेजिनरी नंबर है अब इसके इस डायगोनली एलिमेंट को हमें देखना है सबसे पहला एलिमेंट है ए माइनस आई बी तो यहाँ पर इस बार सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम रियल पार्ट का पॉजिटिव और निगेटिव लेते हैं एडिटिव इनवर्स और ये सेकेंड पार्ट सेम रहता देखिए माइनस आई बी तो माइनस आई बी यहाँ पर है ए ये होना चाहिए माइनस ए और दूसरा एलिमेंट में आपको देखना होगा ये देखिए सी आई प्लस आई डी है तो यहाँ पर प्लस आई डी है देखिए सी यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए देखिए यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है तो माइनस फोर आई है तो ये भी है देखिए माइनस फोर आई देखिए वहाँ पर जेड की वैल्यू आई की वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं लेकिन इस क्यों मैट्रिक्स में जो एग्ज़ाम्पल होता है मैट्रिक्स बनाएगा अगर वो क्या हो यहाँ पर रियल पार्ट उसका निगेटिव होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए दिस इज जीरो जीरो अगर यहाँ पर कह दें टू प्लस आई एंड माइनस टू प्लस आई तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यू हारमिशियन मैट्रिक्स यहाँ पर देखिए डायगोनल जीरो है ये टू है रियल पार्ट और यहाँ पर रियल पार्ट माइनस टू है और ये देखिए प्लस आई है और ये भी प्लस आई इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए रियल पार्ट की साइन जस्ट एडिटिव इनवर्स होना चाहिए प्लस है तो माइनस हो माइनस है तो प्लस हो ये ध्यान देना है तो कोई भी एग्जांपल आएगा आप डायरेक्ट बता पाएंगे मतलब आपको ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पर जो इंपॉर्टेंट हैं बार बार पूछी गई हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन एंड इसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पहली प्रॉपर्टी कही जा रही है इफ ए इज हर्मिशियन और इसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आई ए इज हर्मिशियन अगर हर्मिशियन है तो हर्मिशियन होगा और इसक्यू हरमिशियन है तो इसक्यू हरमिशियन मैट्रिक्स होगा मतलब अगर ए कोई हरमिशियन मैट्रिक्स है तो उसमें आई का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो हरमिशियन मैट्रिक्स होगी अगर ए कोई इसक्यू हरमिशियन मैट्रिक्स है आई का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो इसक्यू हरमिशियन मैट्रिक्स होगी दूसरा रिजल्ट क्या है इफ ए बी आर हरमीशियन आर इसक्यू हरमीशियन देन ए प्लस बी इज ऑल्सो एक दो बार पढ़ डालेंगे तो देखिये इसमें यह ध्यान देने वाली बात तो, <coughs> है तो सॉरी हर्मीशियन है तो हर्मिशियन इसक्यू हर्मिशियन है तो इसक्यू हरमिशियन ये रिजल्ट दोनों के लिए सेम है रिस्पेक्टिवली है नाउ अब हम आते हैं रिजल्ट ऑन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पहला रिजल्ट देखिए यहां पर कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ तो मैट्रिक्स आर्ड ऑर्डर है फिर ये क्या होगा आइदर जीरो होगा और प्योरली इमेजनरी होगा याद रखिएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स में केवल जीरो था अगर इवन आर्डर का है तो ये कोई भी नंबर हो सकता है दूसरा क्या है नंबर ऑफ नॉन ट्रिबियल इंट्री इन सेट ऑफ ऑल हरमिशियन मैट्रिज ऑफ आर्डर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ये दोनों में सेम है मैट्रिक्स एंड हरमिशियन मैट्रिकन मैट्रिक बोथ में एन स्क्वायर है तीसरा रिजल्ट कहा जा रहा है ऑल आइगन वैल्यू ऑफ इसक्यू हरमिशियन मैट्रिसेज आर प्योरली इमेजनरी आर जीरो और फोर्थ रिजल्ट यहाँ पर कहा जा रहा है द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ इसक्यू हरमिशियन मैट्रिक इज एन स्क्वायर मतलब नॉन ट्रिवियल इंट्रीज और डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ स्क्यू हरमीशियन मैट्रिक्स दोनों क्या है एन स्क्वायर और आइगन वैल्यू इनकी क्या है जीरो आर प्योर इमेजनरी तो ये जो रिजल्ट्स हैं डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं कंपटीशन में आप इनको याद रखेंगे अब हम आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के एग्जांपल पर जिसका नाम है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहा जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज टू बी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई मतलब आप उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें खुद से ए ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है और माइनस आई भी इस पर रिजल्ट क्या कहा जाता है इस पर रिजल्ट है द डिटर्मिनेंट ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इज आइदर जीरो आइदर प्लस वन आर माइनस वन कैसे निकलता है टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड इस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन हो जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन तो आप इसे याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दो हैं और आइगन वैल्यू भी इन मैट्रिक्स का आइदर प्लस वन होता है और माइनस वन तो दोनों रिजल्ट सेम हैं डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यू ऑफ इनवरी मैट्रिक्स अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के एग्जाम्पल पर अगला जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स 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 ए स्क्वायर इज सेड टू बी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वहां पर क्या था ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई लेकिन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए नल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ये दो एग्जाम्पल हैं आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे चेक करेंगे कि एक इक्वल आ रहा है कि नहीं इन दोनों मैट एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अब इस पर कुछ रिजल्ट की बात करते हैं पहला रिजल्ट यहाँ पर कहा जा रहा है पहला रिजल्ट है इफ़ ए इज़

डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यू की वैल्यू होती है जीरो एंड वन कैसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट करने के लिए देखिए ए स्क्वायर इज टू ए है तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक वैल्यू जीरो मिलेगी और दूसरी वैल्यू वन मिलेगी तो याद रखने वाले इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं अब हम आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के नेक्स्ट मैट्रिक्स पर जो मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है कहा जा रहा है यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल क्या है ए निलपोटेंट मैट्रिक्स

वो कौन छोटा सा छोटा नंबर है जिसकी पावर हम करें कि सबसे पहले नल मैट्रिक्स दे दे दैट नंबर इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो सबसे आसान सा एक एग्जाम्पल हम लोग अगर ले लेते हैं नल मैट्रिक्स तो नल मैट्रिक्स का इंडेक्स सबसे पावर वन नल मैट्रिक्स की पावर वन करेंगे दिस आल्सो गिव्स टू द नल मैट्रिक्स इसका मतलब जो नल मैट्रिक्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नील्पोटेंट मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का जो इंडेक्स होगा ये क्या है वन

तो वहां पर डिफिनीशन थी ए बी दिस इज इक्वल टू बी एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यहाँ पर होता था ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ये सेम डिफिनीशन है तो अगर आर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा जाएगा तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है अगर हमें पता चल जाए कि कोई भी मैट्रिक्स आर्थोगोनल है तो उसके ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लें तो वही उसके इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी कुछ पॉइंट है यहाँ पर और द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट इन इन ईच रो आर कॉलम ऑफ आर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू वन अभी से हम लोग वेरीफाई करेंगे दूसरा पॉइंट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन एनी टू डिस्टिंगस रो आर कॉलम्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है पहले हम लोग इसे चेक करते हैं कि दिस इज आर्थोगोनल मैट्रिक्स आर नाट यहाँ पर हमारे पास गिवन दैट है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस अब ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो रो चेंज हो जाएगा कॉलम में एंड दूसरा रो हो जाएगा दूसरे कॉलम में इंटरचेंज तो एट इंटू ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं इसकी वैल्यू आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका मतलब दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल आप इसे याद भी रखेंगे कास्ट थीटा साइन थीटा और माइनस साइन ठीटा और यहाँ पर है देखिए कास्ट थीटा दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ आर्थोगोना मैट्रिक्स ऑफ आर्डर टू अगर इसका ए इनवर्स की वैल्यू पूछा जाए तो ए इनवर्स हो जाएगा ए ट्रांसपोज मतलब इसका आप क्या ले लेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये दे देगा आप लोगों को इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यहाँ पर हम देखें पहला रिजल्ट क्या कर रहा है किसी रो को आप लीजिए और एलिमेंट का स्क्वायर करिए तो काश स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर इनका सम करिए तो काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन मतलब तो किसी रो या किसी कॉलम को उठाएं और एलिमेंट का स्क्वायर करके सम करें तो उसकी वैल्यू वन आनी चाहिए दूसरा देखिए तो तो फिर प्लस करेंगे तो वन मतलब पहला रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है दूसरा रिजल्ट कर रहा है किसी रो दो रो या दो कॉलम को लीजिए उनका प्रोडक्ट करिए तो देखिए का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा में तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा कास थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई कास थीटा में तो दिया हो जाएगा प्लस साइन थीटा कास थीटा और इनका सम क्या होगा जीरो ये ऊपर जो पॉइंट हम बताए हैं उन्हीं दो पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ वेरीफाई किया तो अगर आपको थ्री क्रॉस थ्री मैट आर्डर थ्री मैट थ्री का एक आर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखना तो इसी से बनाया जाता दिस इज जीरो 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 अब यहाँ पर एंट्री देखिए पहला क्या है कास्ट थीटा और यहां पर भी है कास्ट थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा या यहाँ माइनस करिए ये हो जाएगा साइन थीटा तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ आर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ आर्डर थ्री और एग्जांपल आपको बनाना है इसी से तो आप इन मैट्रिक्स को ऐसे लिखिए कास्ट थीटा यहाँ पर देखिए साइन थीटा ये है देखिए माइनस साइन और ये है कास्ट थीटा अब यहाँ पर आप वन करिए जीरो 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 दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ आर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ आर्डर थ्री इन एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखे रहेंगे जिससे आपको पता हो कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्थोगोनल मैट्रिक्स बिना किसी सब डिफिनीशन को अप्लाई किए हुए अब हम आते हैं इस पर कुछ रिजल्ट पर आर्थोगोनल मैट्रिक्स पर पहला रिजल्ट इसमें कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ आर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आइदर प्लस वन आर माइनस वन दूसरा रिजल्ट आइगन वैल्यू ऑफ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई इसका जब आप मॉडुलस निकालेंगे दिस इज प्लस वन तो इस टाइप की इसकी आइगन वैल्यू हो अब हम आते हैं लास्ट जो मैट्रिक्स के, के बारे में हमें स्टडी करना है, है यूनिटरी मैट्रिक्स तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज कांजुगेट इसके बारे में आपको बताया गया है ये क्या है ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये कर, इस पर पॉइंट क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एलिमेंट इन यूनिटरी मैट्रिक्स क्ल टू वन और दूसरा क्या है एलिमेंट इन एनी रो एंड एंड जाएगा यूनिटरी मैट्रिक्स अब आते हैं देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है ए A. ए A है, पर देखिए कह रहा है कि कि किसी रो को आप उठाइए आर्मन रो को हमने सपोज करिए सिलेक्ट करते हैं अब इसका तो जीरो का मॉडुलस जीरो और इसका मॉडुलस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस आई इक्वल टू वन इनका स्क्वायर करके सम किया जा, तो जाए जीरो दूसरा रिजल्ट कहा प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन एनी रो तो पहला रो ले लिए जीरो एंड माइनस आई और कांजुगेट इन पे काजुगेट ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई और ये देखिए हो जाएगा माइनस जीरो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस आई इंटू जीरो दिस इज जीरो माइनस आई इंटू ज़ीरो दिस इज़ ज़ीरो तो दोनों के प्रोडक्ट का जो सम होता है ये जीरो होता है ये भी यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ आप, आप इसे चेक करेंगे ये ट्रांस पहले आप निकालेंगे कांजुगेट और फिर कांजुगेट का ले लेंगे ट्रांसपोज तो आपको मिल जाएगा ए थीटा इसकी वैल्यू अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका मतलब ए इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिट मॉडुलस मतलब यहाँ पर भी जो डिटर्मिनेंट होगा यूनिट यूनिटरी मैट्रिक्स का ये होगा यूनिट मॉडुलस यूनिट मॉडुलस के बारे में अभी हमने डिस्कस किया सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट इस पर है आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक आर द यूनिट मॉडुलस मतलब दोनों डिटर्मिनेंट एंड आइगन वैल्यू बोथ आर द unit modulus